गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा. वर्ग तृतीय विषय संस्कृत. बच्चों, आज मैं फिर से आपकी पाठ्यपुस्तिका संस्कृत सरोवर लेकर उपस्थित हुई हूँ. बच्चों, मैंने तो आपको कुछ पाठों का तो अध्ययन करवा दिया है, उनके अर्थ के साथ मैंने आपको उन पाठ का अध्ययन करवाया है. अब मैं, जैसा कि मैंने कुछ दिन से मैं इनके अभ्यास कार्यों को करवा रही हूँ, मैं आपके चैप्टर 1 और 2, जो आपका 1 और 2 है, उनके अभ्यास को मैंने करवा दिया है. अब आइए, आज जो आपका जो है पाठ जो तृतीय है, जो आपका चैप्टर 3 है, उसमें जो कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं उनको भी मैं आज करवाऊंगी. आपके तृतीय पाठ जो कि मैं पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ, वो है कर्मकारकः को मैंने आपको पढ़ा दिया है. आइए अब उसके अभ्यास कार्य को देखते हैं. इस अभ्यास में कुल 3 प्रश्न पूछे गए हैं जो अलग अलग टाइप के हैं. उसमें पहला जो प्रश्न है उसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए. उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे क, ख और ग, इनमें कुछ प्रश्न दिए गए जो आपके पाठ से ही लिए गए हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको संस्कृत में ही लिखने हैं. इसमें क जो है उसका, उसमें प्रश्न पूछा गया है, पाठं कः स्मरति, पाठ कौन याद कर रहा है. अब आप, आपके पास यदि बुक अवेलेबल है तब तो आप उसको फिर से देख करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर को लिख सकते हैं. जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है वो वीडियो को देखेंगे जिसमें मैंने चैप्टर को पढ़ाया है. और यदि उससे भी नहीं तो मैं मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी से लिखूंगे. आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि उनको अपने जो कॉपी है, जो CW की कॉपी, आपके संस्कृत की जो कॉपी है, उसको बनाएंगे और उसमें इन सभी प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे और याद करेंगे. आइए देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं. पाठं कः स्मरति, पाठ कौन याद करता है. तो इस चैप्टर के में जो है बालिका पाठं स्मरति, बालिका पाठ याद करती है. याद कौन कर रही है पाठ, तो आपके इसमें भी है कि लड़की पाठ याद करती है. कुंभकारः किं करोति, कुम्हार क्या कर रहा है. तो इसका उत्तर है, कुंभकारः मृत्तिका पात्राणि रचयति, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है. अब इसके गौ में है कि यह वार्तालाप जो हमारे पाठ में ही है, चैप्टर में ही है, चैप्टर 3 का ही है, उसमें अंते विपुलः किं वदति, जब श्याम और विपुल नाम के जो दो मित्र की वार्तालाप चल रहा, जब दोनों मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो जब बात उन दोनों का हो गया, जब उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सवाल पूछे और एक दूसरे को जवाब दिए, तो अंत में विपुल बोला कि अंते विपुलः किं वदति, अंत में विपुल क्या बोला, तो अंते विपुलः वदति अस्तु वयं पाठान पठामः लेखान लिखामः शब्दार्थान च स्मरामः. विपुल ने कहा, ठीक है, हम सब पाठ पढ़ते हैं, लेख लिखते हैं और शब्दों के अर्थ को याद करते हैं. इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या, जो प्रथम प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, इनमें दिए गए क, ख और ग जो इसमें प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन सभी के उत्तर को मैंने भली प्रकार से आपको बता दिया है. आप सभी बच्चे भी उन सभी प्रश्नों के उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे और याद करेंगे. बच्चों, इसी प्रकार से आपके दिए हुए सभी अभ्यास कार्यों को, जो अभ्यास में दिए गए हैं आपके चैप्टर में, जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बारी बारी से उन सभी के प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं उपस्थित होंगी और आप सभी बच्चे उन सभी प्रश्नों के उत्तर को अवश्य ही लिखेंगे. इसी के साथ मैं अगले प्रश्न के साथ फिर उपस्थित होंगी. तब तक के लिए धन्यवाद.